बड़ी खबर करूं करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से। इस वक्त की बड़ी और सुखद खबर आ रही है, मादा घड़ियाल के अंडों से बच्चे निकले हैं। 11 साल के बाद घड़ियाल प्रजनन हुआ है और पूर्व में साल 2012 में जू के अंदर प्रजनन हुआ था और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। प्रकृति के सौंदर्य की इससे बेहतरीन तस्वीर और क्या होगी जो इस वक्त नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से मिल रही है। अंडों के अंदर से मादा घड़ियाल के बच्चों ने इसे दुनिया में प्रवेश किया और ये तस्वीरें हैं। और तस्वीरें जरा देखिए कि जिन क्रोकोडाइल को देखकर आप डर जाते हैं और जिनका कद आपसे ज्यादा हो जाता है, वो जब बाल स्वरूप में होते हैं तो वो भी कितने छोटे होते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले 2012 में जू के अंदर प्रजनन हुआ था, लेकिन 11 सालों से ये खुशखबरी कभी मिली नहीं। और 11 साल बाद जब ये घड़ियाल प्रजनन के बाद जब ये तस्वीरें सामने आई तो वाकई में सुखद तस्वीरें हैं। मादा घड़ियाल के कुनबे में बढ़ोतरी होते हुए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से ये तस्वीरें। हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल, बच्चे जो भी हों मन को सुकून पहुंचाते हैं, बड़े होकर चाहे वो किसी भी तरीके के रूप को धारण क्यों ना करें, और ये खुशियां तो 11 साल बाद मिली है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर उभर रहा है वन्य जीवों के, वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पर इंडियन वुल्फ से लेकर तमाम जो यहाँ जो बाघ रहे हैं, यहाँ जो बाघिन है, यहाँ जो एशियाटिक लायन है, सबने यहाँ पर प्रजनन किया है। यहाँ पर डियर फैमिली का प्रजनन होता है, लेकिन जो खुशी की बात यह है कि प्रजनन अभी तक घड़ियाल का यहाँ पर नहीं हुआ था। इससे पहले वर्ष 2011 के अंदर जयपुर जो जू है वहां पर घड़ियाल ने अंतिम बार प्रजनन किया था, और उसके बाद अब पहली बार नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ऐसा देखने को मिला। आज सुबह केयरटेकर जो है घड़ियाल की जो क्षेत्र है उसका, वहां उसने देखा कि अंडों से बच्चे निकल रहे थे। उसके बाद उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी और अब लगातार उस जगह को मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरह से इस प्रजनन का जो एक जो शुरुआत हुई है, ये एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर, तो निश्चित तौर पर एक नया आकर्षण है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। और जब कुछ दिनों बाद जब ऑर्डर भी यहाँ आ जाएगा तो इस तरह के जो जलीय जो जीव है उनकी संख्या लगातार यहाँ बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल सुकून वाली बात यही है, 11 साल के लंबे अंतराल के बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में घड़ियाल ने प्रजनन किया है, और घड़ियाल का प्रजनन निश्चित तौर पर पर्यटकों के आकर्षण के साथ साथ जो साख है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की उसमें भी वृद्धि करेगा। निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।